बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकेंगे अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलें आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज, और आज का मदर टिंचर है बर्बरिस वुलगैरिस। होम्योपैथिक दवाई है बर्बरिस वुलगैरिस, होम्योपैथी की जान है और अहम दवाइयों में से एक दवाई शुमार होती है। और ये भी मैं बताता चलूं कि ये मेरी पसंदीदा दवाई है। मैंने इस दवाई को अकेले इस्तेमाल किया है या कम्बिनेशन में इस्तेमाल किया है तो हमेशा इसने मुझे अच्छे रिजल्ट दिए हैं, कभी मायूस नहीं किया। बहुत ही अच्छी दवाई है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन ये दवाई की अहमियत है, यूँ ही ये समझ लें कि ये दवाई की अहमियत है कि अगर मैं इस पर घंटों भी बात करूं तो कम है, इतनी बड़ी दवाई है ये। तो चले इसको मज़ीद जानते हैं। इस दवा का असर जिगर, पित्ता, गुर्दों बल्कि तमाम यूरिनरी सिस्टम पर, अखराज पेशाब का जो सिस्टम है हमारा, गुर्दों से लेके पेशाब की नाली तक, ये सारा का सारा यूरिनरी सिस्टम कहलाता है। तो सारे सिस्टम पे ये बहुत ही अच्छा असर रखती है, बड़ी अच्छी दवाई है इसके लिए, और औरतों के अमराज पर इसका अच्छा असर है। अहम अलामात, ये अलामात मैंने मुख्तलिफ किताबों में से मैंने ये इकट्ठी की हैं। आप इसमें से देखें एक अलामात, दो अलामात, तीन या सारी अलामात आप में अगर ये फिट आ रही हैं, आप समझ रहे हैं कि ये अलामात मुझ में हैं तो इस दवाई को आप ले सकते हैं। खाली एक अलामात बार भी आप इस दवाई को ले सकते हैं, बड़ी अच्छी दवाई है, आपको मायूस नहीं करेगी, नुकसान नहीं देगी, गारंटी है इसकी। पहली अलामत ये होगी कि पेशाब के साथ जलनदार दर्द होगा, पेशाब करते वक्त जलन होगी, साथ ही दर्द होगा या खाली जलन भी होगी। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जलनदार दर्द क्या होता है, तो जलन होगी आपको। पेशाब कर चुकने के बाद एहसास कि अभी पेशाब बाकी है, या आदमी यूँ समझें कि पेशाब करने के बाद मुतमईन नहीं होगा, कि यूँ लगेगा कि अभी पेशाब बाकी है और फिर वो बैठ जाएगा, तो इस तरह ये साइकिल इसका चलता रहेगा। पेशाब में गाढ़ा कफ आता हो, अगर आप पेशाब की टेस्ट वगैरह करवाते हैं उसमें प्रोटीन, अल्ब्यूमिन वगैरह इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो ये क्योंकि मैंने बताया कि सारे यूरिनरी सिस्टम पे काम करेगी, तो हमारे हिसाब से होम्योपैथिक हिसाब से ये तमाम जो भी अमराज है, पेशाब के अमराज हैं, गुर्दों के अमराज हैं, तो इन पर बिला खौफ व खतर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम तो अलामात पे चलते हैं, टेस्ट वगैरह को सिर्फ जदीद दौर के हिसाब से इसको हम, ताकि पेशेंट को पता चले कि मुझ में क्या तब्दीली आ चुकी है, तो इस तरह पेशेंट का कुछ कॉन्फिडेंट हमारी तरफ बढ़ता है, इसलिए हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं, अदरवाइज हम अलामात को अहमियत देते हैं। गुर्दों में दर्द होगा, मसाने की जगह पे दर्द होगा, प्रोस्टेट के मसाइल होंगे। अगर आप प्रोस्टेट के बारे में नहीं जानते तो ये प्रोस्टेट एक गदूद होता है जो कि मर्दों में होता है, औरतों में ये गदूद नहीं होता, सिर्फ ये मर्दों में पाया जाता है, मसाने के बिल्कुल एंड में होता है और पेशाब की नाली इसके दरमियान में से गुजरती है। तो पेशाब की साइज जब, सॉरी प्रोस्टेट की साइज जब बढ़ जाती है तो पेशाब की नाली पर उसका दबाव आ जाता है, तो पेशाब की नाली यूँ कहें कि वो तंग पड़ जाती है, तो पेशाब करने में तकलीफ़ होती है, जलन होती है, पेशाब रुक रुक के आता है या बार बार पेशाब लगता है। तो ज़रूरी नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी शिकायत कर रहा होता है कि मुझे पेशाब बार बार आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये शुगर की वजह से हो, तो ये प्रोस्टेट के भी अलामत हो सकती हैं। तो ये इसकी टेस्ट होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ चुकी है। तो मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि जो लोग 40 साल के लगभग हो गए हैं, मतलब उनकी उम्र 40 साल की हो गई है, तो अपने प्रोस्टेट की तरफ तवज्जो दें। अगर इनमें इस तरह की अलामत पाई जा रही हैं कि पेशाब में जलन है और बार बार पेशाब आ रहा है, स्पेशली रात को बार बार पेशाब आ रहा है, हालाँकि ये अलामत डायबिटिक के लिए भी है, लेकिन अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा लें तो अगर इसमें ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए तो फौरन आप इसको तवज्जो दें। और मेरा मशवरा होम्योपैथी की तरफ है कि आप होम्योपैथी की तरफ आ जाएंगे तो इनिशियल स्टेट पे हम पूरी उम्मीद है कि आपका यह मसला बिल्कुल हल हो जाएगा, ऑपरेशन से आप बच जाएंगे। एनीवे
आगे चलते हैं कि पेशाब की नाली यानी यूरेथ्रा में जलन और दर्द, ये पहले भी बात हो चुकी है, तो पेशाब की जो नाली होगी उसमें जलन होगी और उसमें दर्द होगा। अब ये अलामत दूसरी बीमारी की वजह से भी हो सकती है, तो उसकी तरफ में नहीं जा रहा। चले आगे, बार बार पेशाब का आना, तो इसके लिए भी अच्छी दवाई है, भले वो शुगर की वजह से हो या प्रोस्टेट की वजह से हो या और कोई वजह हो, यूरेथ्रा में कोई खुदा ना खास्ता कोई ज़ख़म आ गया हो, तो उस वजह से भी इंशाल्लाह ये उसको कवर कर लेगी। पित्ता, गुर्दा और मसाना की पथरी में मुफीद है, ज़्यादातर इसका गुर्दा और पित्ता पर है। मसाने के लिए भी मैंने इसको इस्तेमाल किया, लेकिन कम्बिनेशन के साथ मैंने इस्तेमाल किया। मसाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मुझे मिले हैं, तो पित्ते और गुर्दे के लिए बहुत ही कामयाबी के साथ इस्तेमाल की जा सकती है अकेली इस दवा को। जिगर में दर्द, सफरा के बहाव में इजाफा कर, अगर जिगर में दर्द है तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा इस दवाई से लेने के बाद, और सफरा के बहाव में इजाफा होगा, सफरा के बहाव में इजाफा होगा तो आपका आपकी भूख वगैरह ठीक होगी, आपका निज़ाम हज़म ठीक होगा, तो ये इस पर भी बहुत ही अच्छा असर रखती है। बर्बरिस न सिर्फ जिगर और गुर्दों के अवारिस की दवा है, बल्कि इनकी कमज़ोर हालत में टॉनिक का काम देती है। जी हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त दवाई है बर्बरिस को। मैं बिला खौफ ख़तर जिगर के अमराज, पित्ते के अमराज, गुर्दों के अमराज और मसाना के अमराज और पेशाब के जो सारे अमराज है उसमें बिला खौफ ख़तर दे देता हूँ मैं, बग़ैर सोचे समझे भी, कभी कभार यूँ कहें कि मैं इसको दे देता हूँ, तो ये इस दवाई ने मुझे कभी मायूस नहीं किया है। तो ये टॉनिक का काम भी देती है, अगर आप ये कुछ अलामत, मतलब अलामत आपकी कम भी हो जाएं तो आप इसको कुछ टाइम के लिए चला भी सकते हैं, मतलब पोस्ट इलनेस के बाद, मतलब रिकवरी के बाद इसको फिर कुछ अर्सा, तकरीबन महीना भर भी आप चला सकते हैं, ताकि तमाम की तमाम अलामत जो है ना बिल्कुल मुकम्मल तरीके से ख़त्म हो जाएं और रिमूव हो जाएं आपकी बॉडी में से। तो चलें आगे, इसकी कवायद जारी हैं। जोड़ों के दर्द, अगर जोड़ों के दर्द हो, अगर साथ में बवासीर भी हो, पेशाब और हैज की शिकायत भी मौजूद हो, तो बिला खौफ ख़तर बग़ैर सोचे समझे इस दवाई को आप इस्तेमाल करें। जोड़ों के दर्द हो और साथ में बवासीर हो, पेशाब की अलामत जो पहले जिक्र में आ चुकी है, पहले इसमें स्लाइड में आ चुकी हैं कि जो जलन हो, पेशाब बार बार आ रहा हो, इस तरह की जो भी अलामत हैं, और हैज की आगे मैं बताऊंगा हैज के बारे में, ये अलामत अगर आप में है तो बिला खौफ ख़तर इस दवाई को इस्तेमाल किया जा सकता है। कंधों, बाजुओं, टांगों और पाँवों में दर्द, यानी पूरे जिस्म में दर्द होगा, ये इसके लिए, मतलब ये जोड़ों के दर्दों के साथ ये के लिए भी, मतलब ये यूँ कहें कि कोई फासिद मादे जब जिस्म में जमा हो जाते हैं तो उनके लिए भी अच्छी दवाई है ये। फासिद मादे डिटॉक्सिफायर का भी काम करेगी, उनको रिमूव करेगी बॉडी से, जैसे ही वो सारे फासिद मादे, टॉक्सिन जैसे हम अंग्रेजी में कहेंगे टॉक्सिन, वो जब बॉडी से में से निकलेंगे तो बॉडी अपना पूरा ठीक से काम करेगी और दर्द वगैरह आपके गायब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो रीढ़ की हड्डी की सोजिश और कमर दर्द, इसके लिए भी बहुत ही अच्छी दवाई है। औरतों में पैरों में जलनदार और चुभनदार दर्द होगा कि ख्वाहिश, जमा की ख्वाहिश कम हो जाएगी, तो ये औरतों के लिए दौरान जमा कटनदार दर्द होगा, मतलब यूँ कहें कि जमा दर्द के साथ होगा, जब भी ये अमल होगा तो उनको दर्द होगा, तो इसमें वो तवज्जो दे सकती हैं इस दवा की तरफ। लिकोरिया और हैज की तकालीफ और साथ में पेशाब की अलामत भी हो, तो पेशाब की अलामत इसकी अहम अलामत हैं, तो पेशाब की अलामत जहाँ भी आ जाएंगी बर्बरिस का ख्याल आ जाता है एकदम से। तो आगे बढ़ते हैं, तरकीब इस्तेमाल, 10 से 20 कतरे आधा कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेने हैं खाना खाने के बाद। 10 से 20 कतरे आधा कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार आप इसको लें, बिल्कुल सिंपल सा इस्तेमाल है इसका। अब ये इसकी पिक्चर्स हैं, अब ये कल ही मुझे पता चला कि कॉपीराइट भी कुछ होता है, तो बहरहाल मैं आपको दिखाने के लिए दिखाई देता हूँ पिक्चर, तो अल्लाह खैर करेगा। तो बहरहाल ये बर्बरिस डॉक्टर रेगविक की है, और ये है
अभी जैन कंपनी की मदर टिंक्चर क्यू में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मदर टिंक्चर होम्योपैथिक मेडिसिन लिखी हुई है। मदर टिंक्चर की निशानी जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये इसकी पिक्चर है। हर कंपनी की अपनी पैकिंग होती है, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह सारी पैकिंग इस तरह हो। तो बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया में भी जैन डॉक्टर रेगविक दोनों कंपनियाँ मिल जाती हैं, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, और लोकल कंपनियां भी बनाती हैं। आप जिसे प्रेफर करें, जो अफोर्ड कर पाएँ, बाहर की कंपनी जो है वो महंगी पड़ती हैं। तो एनीवे ये आप पे डिपेंड करेगा, किसी ख़ास कंपनी को मैं रेकमेंडेड नहीं कर रहा, सारी अच्छी कंपनियां हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।